अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलमान हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारी खबरों में ना अब हीरोज़ की एंट्री होगी। हीरो जिस तरह से अभी हमने पिछले दिनों एक सियालकोट का सनी देओल, उसको देखा, वो सर पर पट्टी बांध के और बड़े उसने नारे शारे लगाए थे किसी दौर में, उसके बाद कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सॉरी इंटरव्यू दिए, और उसके बाद हमने देखा पिंडी के क्या उसको कहना चाहिए, रघु भाई को, पिंडी के रघु भाई ने, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया और बड़े स्टाइल से आके। फिर वो रघु भाई अपने घर जाता है और जाके बोलता है कि माँ दरवाजा बंद कर दे, खिड़की बंद कर दे, इस तरह से वो कहानी भी हुई। लेकिन कल एक और एंट्री पड़ी है, शाका आ गया, फैसलाबाद का शाका, मतलब दिल जले, और उन्होंने आकर जो इमरान खान की ऐसी तैसी की है, उसने कहा है जी कोई मंडप ऐसा नहीं होगा जहां पे शादी होगी, मतलब ये कि इमरान खान की अब कोई एंट्री नहीं रही। इसके बाद अब कहानी किस तरफ आती है, फारूक हबीब के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसके लिए आप मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं जो फारूक हबीब से रिलेटेड था। फारूक हबीब की एंट्री के बाद दो पीटीआई के दो बड़े लोगों के जो उनके कैबिनेट के बहुत अच्छे रुकन थे, उनके दरमियान हो रही है लड़ाई क्यों हो रही है, आपको एक खबर देता जाए, बातों बातों में खबर आपको बता देते हैं कि जो जिसके बारे में कहा जा रहा था भाग गया पिशावर से, वो भागा नहीं है, वो पकड़ा हुआ है ना, वो जब आती है तो मजे आ जाती है, तो वो पकड़ा हुआ है। उसकी और पिंडी वाले सरकार की बहुत सारी लड़ाई शुरू हो गई है, और लड़ाई किस बात पर हो रही है, लड़ाई ये हो रही है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या इंटरव्यू देना है, एक के जिम्मे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक के जिम्मे इंटरव्यू। और लेकिन बात ये है कि जो पिंडी वाले पीर साहब हैं, जिनको इमरान खान साहब कहा करते थे शीदा टल्ली, तो शीदा टल्ली की उम्र में ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, सियासत को ज्यादा समझते हैं, तो लगता ये है कि लड़ाई वो जीत जाएंगे और बहुत जल्द एक अच्छा सा इंटरव्यू होने वाला शेख रशीद साहब का। लेकिन चांसेस दूसरी तरफ से भी कम नहीं है। पिशावर वाली पार्टी जो कि कहती थी हम मरते दम तक इसके साथ खड़ा रहेगा, जब इमरान खान बुलाएगी हम उड़ता हुआ आएगी, तो वो भी इसके साथ छोड़ गया है, और अब इसके साथ अब वो करने वाला है जो आज तक के किसी इंटरव्यू में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी किसी ने नहीं किया, और यही हाल शीदे टल्ली का है कि उसने भी यही करना है। ठीक है, वजारत दाखला कैसे मिली, उसके पीछे क्या स्टोरी थी, वजारत रेलवे के अंदर उसने कौन कौन से गबन किए, एक एक चीज का प्रूफ आ चुका है, एक एक चीज का, नहीं बोलेगा तो कहां जाएगा, आखिर उसको जमीन की बात माननी है, जमीन की नहीं, बेशक जमीन पर सो रहा है लेकिन जमीन की नहीं मानता वो, जमीन की बात माननी है, तो जमीर की बात मान के उम्मीद है कि शेख रशीद बहुत जल्द, हो सकता है जब तक मेरा व्लॉग आप तक आए उस वक्त तक शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हो और आपको ये बता चुका हो कि किस तरह से इमरान खान ने उसको ब्लैकमेल किया और उसको ब्लैकमेल करके अपने हक में बयानात दिलवाए, और उसको ब्लैकमेल करने के लिए सिर्फ इमरान खान नहीं, बुशरा बीबी ने किसको आगे किया जिसने शेख रशीद को फंसाया। अब आप समझ रहे हैं शेख रशीद एक बैचलर आदमी है और बैचलर बाबा है, और बैचलर बाबे को फंसाने के लिए एक खूबसूरत सी लड़की उसको अपने रंग ढंग दिखाकर कैसे उसे क्या क्या बात मनवा सकती है, तो वो सब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है हमारी पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर। इससे बड़ी खबर मेरा ख्याल है इस सदी में नहीं आएगी, आपको इस खबर से रिलेटेड अपडेट रखूंगा और इंशाल्लाह हर खबर आने से पहले आपको बताता रहूंगा। मेरी खबरों का इंतजार कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, बहुत जल्द मिलते हैं।